गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ पार्क होटल से, जहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रेस मीट हुई है। बहुत ही शानदार सी एक टीवी शो शुरू हो चुकी है लाइव वो के में। जी हाँ, प्यार मोहब्बत दुश्मनी साथ ही साथ फैमिली क्राइम सब कुछ आपको नजर आ जाएगा इस शानदार से शो यानी कि लौट आओ त्रिशा में। इसके बारे में बताने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए कोलकाता शहर में आई हुई है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस नालिनी नेगी, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम कोलकाता। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, कोलकाता शहर में आई है। कुछ कहना चाहेंगे कोलकाता शहर के बारे में? आज ईद भी है। अरे, मैं कोलकाता वालों को ईद मुबारक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस उत्सव को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें और हमारा शो देखते रहिए रात के 10 बजे लाइव होके पे। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा शो हटके है। बिल्कुल बिल्कुल, हटके जाना चाहूँगा आपके रोल के बारे में। काफ़ी हटकर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कुछ कहना चाहेंगी लौट आओ त्रिशा में आपके रोल के बारे में? वेल, ये एक त्रिशा स्वाइका की कहानी है, जो त्रिशा स्वाइका एक 18 साल की लड़की की कहानी है, जो कि एक बीच पार्टी से गायब हो जाती है। और उसके गायब होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ चली गई वो, यू नो, क्या हुआ है त्रिशा को, किडनैप हुई है कि वो भाग गई है। एंड देन इन्हीं सारी स्टोरीज के बीच में, यू नो, कुछ स्टोरीज अनफोल्ड होंगी जो कि उसके कैरेक्टर, जो उसके घर के कैरेक्टर्स के ऊपर ही होंगे। यू नो, फैमिली इन क्राइम्स के ऊपर बताया गया है। और एक स्टोरी दिखाई है जहाँ पे मेरी मम्मी की जर्नी के बारे में दिखाया है कि वो कैसे मुझे ढूंढते हुए बीच में, उसी बीच में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो ये इतना सब कुछ मिक्सचर है कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट तीनों आपको खाने को मिल जाएगा एक ही उसमें। कितना टफ था, कितना होमवर्क करना पड़ा आपको इस रोल के लिए? वेल, होमवर्क तो मुझे करना पड़ा थोड़ा, मुझे स्क्रिप्ट वगैरह के ऊपर ध्यान देना पड़ा, अपनी एक्टिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ा। नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल एक्टर को होता है कि जब वो शुरू शुरू में आता है तो उसको एक थोड़ी एक्टिंग क्लास लेनी पड़ती है, थोड़ा ग्रूम होना पड़ता है, तो वैसे ही मैंने भी इसके लिए थोड़ी एक्टिंग क्लासेस ली थी, थोड़ा कोर्स करा था। एंड बाकी यस, बाकी लिटिल बिट ऑफ माई लक एंड थोड़ा हार्ड वर्क से मुझे ये रोल मिल गया। राजेश्वरी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत 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 टैलेंटेड एक्ट्रेस है। राइट, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मेरी भूआ का किरदार निभा रही हैं वो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करने को मिलता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं एक न्यू कमर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब आपके साथ इतने टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं तो आपको इनसे सीखने को मिलता है, सो दैट कि आप आगे चल के आप अपने एज अ एक्टर आप बहुत सारा ग्रूम कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी में बहुत कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करते हुए, इनको जिनको हमने टीवी स्क्रीन पर देखा था, आज हम अपने साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा हो गया कि सपना सच हो गया मेरा। बिल्कुल, सपना सच हो गया। और एक फैमिली की तरह आप लोग काम कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है, तो जानना चाहूँगा शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ा प्रैंकर कौन है, कोई प्रैंक करता है कुछ मजा कुछ? वेल, हंसी मजाक तो होती रहती है, छोटे मोटे हंसी मजाक चलते ही रहते हैं, पर ये जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली थ्रिलर शो नहीं है, टाइम इतना नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बैक टू बैक शूट चल रहा होता है, कभी मेरा होता है तो कभी उनका होता है, कभी उनका होता है तो कभी मेरा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि पूरी एक फैमिली एक साथ में शूट करें, क्योंकि एक नॉर्मल सासभू शो नहीं है, ये एक थ्रिलर शो है, तो हर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर, कब कौन इंपॉर्टेंट हो जाए ये पता नहीं चलता, तो उस हिसाब से, यू नो, शूटिंग में इतना होता नहीं, पर हाँ, जब भी हम शूट करते हैं तो वही हंसी मजाक, साथ में बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हुए, यू नो, गपशप चलती रहती है लड़कियों की, जहाँ लड़कियाँ साथ हो जाए फिर गपशप। नाली नहीं जाना चाहूँगा, शूटिंग कौन सा टाइम जो है सबसे अच्छा लगता है आपको? नाइट शूट जो होती है वो ज़्यादा टफ लगता है, या फिर मॉर्निंग शूट जो है, या आफ्टरनून शूट, कौन सा ज़्यादा आपको लगता है कि सुटेबल है या टफ है? देखो, अगर सुटेबल की बात करें तो मेरे लिए तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है, रात टाइम तो मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगी, 12 बजते ही मेरी अचानक से मेरी नींद आना स्टार्ट हो जाती है, तो रात के 12 बजे का तो मैं सोचती हूँ कि अरे सुबह का सूरज निकल जाए और मेरी शूट खत्म हो जाए, तो मेरे लिए टफ रात की शूट होगी। और सुबह की शूट मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि वो होता है ना, सुबह का सूरज उग के काम करो तो सब कुछ अच्छा ही जाता है फिर। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पर सुन रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, जब से ये शो शुरू हुआ है, रेड एफएम पर भी हमने लेकर इसको बातें की है, आपके फैन फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे कोलकाता में, उन सभी से कुछ कहना चाहेंगी? शुरू हो चुका है लौट आओ त्रिशा। वेल, मैं अपने सारे फैंस और फॉलोअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आपका लव और सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए, मेरा शो देखते रहिए, और हमारे शो को सक्सेसफुल बनाने में आपका बहुत ज़्यादा मेन हाथ होना चाहिए। सो प्लीज़, आई वांट योर सपोर्ट एंड लव, एंड प्लीज़ यू कैन नाउ फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट नलिनी नेगी फॉर मोर अपडेट्स, और मैं आपको ज़रूर अपडेट्स करती रहूँगी। और सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बीच में आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, सो दैट कि मुझे एज अ आर्टिस्ट जानने को मिले कि आपके क्या सोच विचार हैं और हम क्या और अच्छा कर सकते हैं आपके लिए। नालिनी, जाते जाते कोलकाता की क्या क्या चीज़ें आपको खाने में पसंद है वो बताते जाओ आप, ईद का दिन है आज। वेल, ईद का दिन है, कोलकाता का नाम आते ही रसगुल्ला और संदेश सबसे पहले आता है, तो मैंने सोच रखा है कि यहाँ से जाने से पहले मैं ज़रूर लूँगी। और मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि यहाँ पे एक मैंगो रसगुल्ला बहुत मिलता है, राइट, यहाँ का बहुत फेमस है, तो आई पर्सनली वांट दैट कि मैं जाने से पहले एटलीस्ट वो ज़रूर लेके जाऊँ।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच लानी ने हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, रेड एफएम को समय को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि आप कोलकाता शहर में आएँ, हमारे स्टूडियो में विजिट करें, मैं आपको मैंगो रसगुल्ला से लेके मैंगो कुल्फी से लेके जितने तरह के वैरायटी ऑफ बंगाली स्वीट्स है सब कुछ मैं खिलाऊंगा। जी जरूर, डेफिनेटली मैं आना पसंद करूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग का प्यार और हमें सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे, और इंशाल्लाह अगर भगवान की दुआ रही तो हम जरूर डेफिनेटली जल्दी आएंगे। हम भी जाएंगे, इसी तरह आप एंटरटेन करते हो। थैंक यू सो मच नालिनी हमारे साथ बातें करने के लिए। और हमारे साथ ही नन अदर देन एक्ट्रेस नालिनी नेगी, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पर बातें हो रही थी। कोलकाता शहर में आई हुई है प्रमोट करने के लिए लाइफ ओके के एक बहुत ही शानदार से शो को, जिसका नाम है लौट आओ त्रिशा। बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर में नजर आ रही है इस सीरियल में। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।